नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं राजीव ढौंडियाल। नोटों का एक ऐसा महल जिसकी बाहरी बनावट जर्जर है, लेकिन जब ईडी की टीम अंदर घुसी तो आंखें खुली की खुली रह गई। नोटों की गड्डियां 100, 200, 500, पूरे 17 करोड़ 32 लाख रुपए। नोटों की गड्डियां, रुपयों का महल, नोटों का बिस्तर, रुपयों की हवेली, ये काली कमाई की इमारत है। कैश की इबादत है, नोटों की फसल उगाना उसकी आदत है। इतने रुपए, कितने रुपए, बिस्तर के नीचे रुपए, बेड के ऊपर रुपए, बक्से में रुपए, रुपए ही रुपए। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कोलकाता के इस घर में जब छापा मारा तो उम्मीद भी नहीं रही होगी कि बाहर से उजड़ा चमन सा दिखने वाले इस मकान में कैश की दुकान होगी। एक इंटरनेट गेमिंग ऐप बनाते थे यहाँ पे, जो रहते थे आमिर खान नामक एक युवक, एक बिजनेसमैन, और उसी ऐप से लोगों को स्कैम करते थे, फ्रॉड करते थे और पैसा लोगों का खा जाते थे। ऐसा ही दावा है ईडी के सूत्रों के आधार पर। शनिवार की सुबह 6 बजे के आसपास प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता में एक साथ 6 जगहों पर छापा मारा। उसी में से एक लोकेशन थी गार्डन रिच इलाका। यहाँ मकान नंबर F7 में जब ईडी की टीम घुसी तो गली मोहल्ले में हड़कंप मच गया। लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक साथ इतनी पुलिस फोर्स मोहल्ले में आ गई। ईडी की टीम अंदर घुसते ही अपने में लग गई और इधर गली के बाहर लोगों की भारी भीड़ इसीलिए इकट्ठा होने लगी कि आखिर मकान में है क्या। गार्डन रिच इलाके में जिस जगह छापा पड़ा वो मकान आमिर खान नाम के शख्स का है। उस पर लोगों से करोड़ों रुपए ठगने का आरोप है। आमिर ने इतने रुपए कैसे बनाए, ठगी का उसका तरीका क्या था, ये आगे बताएंगे। ईडी की टीम अंदर काम कर रही थी कि बाहर कैश काउंटिंग मशीनों का आना शुरू हो गया। अब तक लोगों को समझ आ गया था कि अंदर झोल नहीं, बहुत बड़ा झोल है। एक एक करके 8 कैश काउंटिंग मशीनें मंगाई गई। रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ऑफिसर बुलाए गए। इतना रुपया मिला कि हाथों से गिनना मुश्किल है, इसीलिए रुपया गिनने के लिए लाई गई कैश काउंटिंग मशीन। इसी घर पे 17.5 करोड़ की राशि हार्ड कैश मिला है ईडी के तरफ से। 5 ट्रंक्स गए हैं इस घर के अंदर, सुबह से रेड हुई थी, टोटल 8 काउंटिंग मशीन इस घर के अंदर गई। आमिर के घर से इतने रुपए मिलेंगे इसका अंदाजा प्रवर्तन निदेशालय को भी नहीं रहा होगा। सुबह 6 बजे से शुरू हुई छापेमारी कार्रवाई आधी रात तक चलती रही। ईडी सूत्रों की माने तो बेड के नीचे से बहुत सारा रुपया बरामद हुआ है। 100, 200 और 500 के नोटों की गड्डियां बरामद हुई हैं। आमिर खान के घर से 17 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है। 1, 2, 3 इन बक्सों में कैश रखा जाएगा। नोटों की गड्डियों के लिए बड़े बड़े बक्से मंगाए गए और बक्सों को ले जाने के लिए बड़े बड़े कंटेनर बुलाए गए। सामने जो ट्रक हमें दिखाई दे रहे हैं वो ईडी के द्वारा बुलाए गए हैं। इन ट्रक्स में पैसा जो है वो लेके चला जाया गया। आमिर के घर से मिले रुपयों पर प्रवर्तन निदेशालय ने ईडी लिख दिया, उसकी काली कमाई पर सरकारी ताला जड़ दिया। इस छापेमारी के दौरान आमिर घर पर नहीं मिला, लेकिन जो कैश मिला उसे सरकारी सुरक्षा में रखवा दिया गया। सूर्याग्नि रॉय, कोलकाता आज तक। कोलकाता में जिस शख्स के घर से नोटों का जखीरा मिला है उसका नाम आमिर खान है। खेल से खेल करके इसने करोड़ों रुपए बनाए। एक मोबाइल एप्लीकेशन ने आमिर को मालामाल किया और पब्लिक को कंगाल। समझिए कि क्या था आमिर का पूरा खेल। इतना कैश, आपके पैसे पर आमिर कर रहा था ऐश। खेल खेल में झोल करके आमिर ने बनाए करोड़ों रुपए। एक गेम और 17 करोड़ हजम। मोबाइल गेमिंग का मिस्टर नटवर लाल।
कोलकाता में जिस वांछित धन कुबेर की तलाश में ईडी गई थी वो तो नहीं मिला, लेकिन लूट का धन जरूर मिल गया। आमिर के घर में ईडी ने जिधर भी नजर डाली उधर सिर्फ रुपए ही रुपए मिले। अब सवाल ये है कि आमिर खान ने इतना धन कैसे बनाया, आमिर खान के पास इतना रुपया कहां से आया, क्या आमिर खान सिर्फ मोहरा है, असली खिलाड़ी कोई और है? आमिर के काले कारोबार की कहानी शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर ये है कि इस आमिर खान का फिल्म अभिनेता आमिर खान से कोई वास्ता नहीं है। ऐप को डिजाइन करने वाले आमिर खान और उसके कुछ सहयोगी कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आकर हमें पता चला कि आमिर खान जो इस जो अपराध है उसके एक अहम सूत्र कहा जा रहा है, एक अहम किरदार कहा जाए, लेकिन उसके जो प्रोफाइल है बहुत ही सादा सीधा है, ऐसा लोग कह रहे हैं। आरोप है कि आमिर खान ने पी नेगेट्स नाम का एक एप्लीकेशन डिजाइन किया। इस ऐप को धोखाधड़ी के उद्देश्य से डिजाइन किया गया था। अच्छा रिटर्न करके ई नेगेट्स ऐप ने पहले लोगों का विश्वास जीता। जब बड़ी संख्या में लोगों ने पैसा लगा दिया तो आमिर ने प्लान के मुताबिक कैश की निकासी रोक दी। ना कोई रुपए लगा सकता था और ना ही निकाल सकता था। कैश निकासी रोकने के बाद आमिर ने सर्वर से एप्लीकेशन की प्रोफाइल डिलीट कर दी, सर्वर पर मौजूद डेटा फॉर्मेट कर दिया। सर्वर से एप्लीकेशन डेटा डिलीट हुआ तो लोगों को समझ में आ गया कि उनके साथ ठगी हुई है और फेडरल बैंक ने इस ठगी की शिकायत कोलकाता पुलिस से की। अब सवाल है कि फेडरल बैंक ने ये शिकायत क्यों की थी, क्या फेडरल बैंक की भी इसमें कोई भूमिका है? साल 2021 में फेडरल बैंक की शिकायत पर कोलकाता पुलिस ने मुकदमा लिखा और बाद में केस को ईडी के हवाले कर दिया। अब जब ईडी ने छापेमारी की तो नोटों का जखीरा बरामद हुआ। प्रवर्तन निदेशालय सूत्रों की माने तो आमिर खान के पॉलिटिकल लिंक की भी पड़ताल की जा रही है। ईडी को आशंका है कि इसके पीछे राजनीतिक सरपरस्ती हो सकती है। सूत्रों ने बताया कि जांच इस एंगल से भी हो रही है कि कहीं इसमें चीन का तो हाथ नहीं है। अब बात आमिर खान की करते हैं। आमिर खान की उम्र महज 22 साल है। उसके पिता छोटे ट्रांसपोर्ट कारोबारी है। घर को देख कर लगता नहीं है कि वहाँ करोड़ों रुपए हैं। आमिर के दोस्तों और यहाँ तक कि पड़ोसियों को भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो करोड़पति था। आमिर खान लोगों से कम ही मिलता था, ऐसा लोगों का कहना है। हालांकि जिस इलाके में वो पला बड़ा, लेकिन वहां पर उनके दोस्त कुछ ज्यादा नहीं थे, लेकिन अक्सर कम आया जाया करते थे। रात के वक्त वो घर लौटते थे, यानी देखकर किसी को कुछ नहीं लगा कि वो ये काम कर सकते थे। लेकिन जिस तरीके से इनकी प्रोफाइल जो कही जा रही है, बहुत सादा सीधा और आम दिखने वाला इंसान जो लोकल पुलिस स्टेशन के बिल्कुल नजदीक रहता था, और उन्होंने अपने शातिर दिमाग से ये पूरा षड्यंत्र रचा, बल्कि उसके साथ साथ काफी लोगों के पैसे भी लूटे। आमिर खान ने पूरी प्लानिंग से लोगों को चूना लगाया। कोलकाता में ईडी की यह दूसरी बड़ी कार्रवाई। इससे पहले कोलकाता में ही ईडी की छापेमारी में अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चैटर्जी का चिट्ठा खुला था। 50 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ था। ने अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों पर छापा मारा तो इतना कैश मिला कि हिंदुस्तान के आम नागरिकों की नजरें चौंधिया गई। अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों से 50 करोड़ से ज्यादा नकदी बरामद हुई। 5 करोड़ से ज्यादा कीमत के गहने मिले थे। अर्पिता के ठिकानों पर मिले धन का वास्ता बंगाल में हुए शिक्षक भर्ती घोटाले से जोड़ा गया, क्योंकि अर्पिता के कनेक्शन ममता के मंत्री पार्थ चटर्जी से थे। ईडी ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। धन कुबेर सिर्फ बंगाल
या कोलकाता तक सीमित नहीं है। इनके अनुयायी देश के बाकी हिस्सों में भी हैं, जो बिना भेदभाव सिर्फ धन से लगाव रखते हैं। इस साल की अब तक की बड़ी छापेमारी कार्रवाइयों में झारखंड का भी नाम आता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा के ठिकानों पर जब ईडी ने धावा बोला तो धन की ऐसी खान मिली कि गिनती करना मुश्किल हो गया था। पंकज मिश्रा से 5 करोड़ रुपए कैश, 13.5 करोड़ बैंक बैलेंस की जानकारी ईडी के हाथ लगी। झारखंड में 100 करोड़ के खनन घोटाले की जांच पड़ताल में ईडी के हाथ पंकज मिश्रा के गिरेबान तक पहुंचे थे। इस केस में जांच की आंच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी गई, उनकी विधानसभा सदस्यता पर भी सस्पेंस है। झारखंड माइनिंग डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी पूजा सिंघल के चर्चा के बगैर बात अधूरी रह जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ने मई 2022 में पूजा सिंघल के और उसके सीए के घर छापा मारा। मामला मनी लॉन्ड्रिंग और खनन घोटाले से जुड़ा था। आईएएस पूजा सिंघल के घर से 17 करोड़ रुपए मिले। एक आईएएस अफसर के घर से इतना रुपया देखकर ईडी के अधिकारी भी दंग रह गए। पूजा सिंघल की सीए को ईडी ने रडार पर लिया, उसके घर भी छापा मारा तो वहां करीब 1.5 करोड़ रुपए बरामद हुए। ईडी की बड़ी कार्रवाई में एक पंजाब का मोहाली कांड भी शामिल है। तत्कालीन सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे के घर ईडी ने छापा मारा था। 7.90 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे। साल 2022 के अभी 3.5 महीने बचे हैं। इन दिनों में अगर देश के कुछ और काले कुबेरों का चेहरा सामने आ जाए तो हैरानी की बात नहीं होगी। आज तक ब्यूरो।